अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला के मनसे कार्यालय की हुई तोड़फोड़। अकोला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारी आवेदनों की जांच के बाद प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसी समय जांच के दौरान मनसे उम्मीदवार के नामांकन पत्र को खारिज किया गया। मनसे उम्मीदवार का आवेदन खारिज होने से अकोला जिले में काफी असमंजस की स्थिति बन गई है। इस घटना के बाद जिले के राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। संबंधित प्रत्याशी पर आर्थिक लेनदेन का भी आरोप लगाया जा रहा है। खबर है कि मनसे कार्यालय की तोड़फोड़ की गई है। अकोला के डापकी रोड इलाके में अठवाड़ी बाजार चौक पर प्रशंसा अंबेरे का कार्यालय है। मनसे कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि अंबेरे ने विपक्षी उम्मीदवारों से हाथ मिलाकर जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया है कि उनकी व्यय कम है। मनसे के शहर उपाध्यक्ष अविनाश मुरेकर और आदि कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की है, ऐसी जानकारी अंबेरे ने पत्रकारों को दी है। मनसे कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उम्मीदवारी का आवेदन खारिज करने में बड़ा वित्तीय लेनदेन हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब जब इस निर्वाचन क्षेत्र में मनसे उम्मीदवार को अपात्र घोषित कर दिया गया है तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। मनसे जिलाध्यक्ष ने विकृत मानसिकता के कारण कार्यालय तोड़ने का आरोप लगाया है। आरोप है कि महानगर मनसे उपाध्यक्ष अविनाश मुरेकर ने इस कार्यालय को तोड़ा है। जिलाध्यक्ष राजेश काले ने आरोप लगाया है कि इस कार्यालय को तोड़ने के पीछे अविनाश मुरेकर का मानसिक विक्षिप्त होना है। आज 7:30 ते 8 दरम्यान माझं कार्यालय जे आहे तिथे अविनाश मुरेकर शहर उपाध्यक्ष यांनी ते कार्यालयावर आला अचानक आणि 3 ते 4 तासं फोडून उठून शिव्या घेऊन चालला गेला। याच्यामागं त्याला कोणाचं पाठबळ आहे आणि कोण त्याला तिथून पाणी पुरवत आहे आणि कोणत्या पक्षाजींसोबत त्याने जर हात मिळवला असेल, हा पक्षाचा कार्यकर्ता नाही आहे। पक्षाचे कार्यकर्ते काल जो प्रकार घडले आहेत त्याच्याबद्दल मी पण खूप नाराज आहे आणि जे माझे कार्यकर्ते आहेत ते माझ्या सोबत आहे। हा पक्षाचा कार्यकर्ता नाही, निष्ठावंत कार्यकर्ता हा दिसत नाही। हा जो आमचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महानगर उपाध्यक्ष आहे हा थोडा विकृत स्वभावाचा आहे, चिडचिडा स्वभावाचा आहे। ऑफिसर आमच्या रोज येतो, मॅडमनी त्याची शिफारस केली आहे महानगर उपाध्यक्षासाठी। 2-3 दिवस झाले तो मॅडमला कॉन्टॅक्ट करून राहतात, यात निवडणुकीचा याचा काही संबंध नाही, पण त्याची थोडी मानसिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे त्यांनी हे केलं। यात निवडणुकीचं किंवा कोणाच्या रागाचं काही हे नाही आहे। हे मी सर्व माझ्या मनसे कार्यकर्त्यांना व सर्व पदाधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।